अब प्रशासन ने बरेली में सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया है। इस जमीन पर अवैध कॉलोनी बसाई जा रही थी और बताया गया कि इस जमीन पर पूर्व विधायक का कब्जा था जिनकी कोरोना में मौत हो चुकी थी। यूपी में सत्ता पक्ष के लोग हों या फिर माफिया या अपराधी, जिन्होंने भी सरकारी जमीन पर कब्जा किया उनके खिलाफ बाबा के बुलडोजर ने कार्रवाई की। ऐसी ही तस्वीरें आईं बरेली से। करीब 32 करोड़ की जमीन बरेली विकास प्राधिकरण ने कब्जा मुक्त करवाई। इस जमीन पर भाजपा के पूर्व विधायक केसर सिंह के बेटे समेत कई बड़े बिल्डर और सत्ता पक्ष के लोगों का कब्जा था। ये बताया जाता है कि बीडीए जब वहाँ काम कर रही थी उस दौरान कब्जा हटाने के क्रम में उनके द्वारा अवरोध उत्पन्न किया गया। इस सूचना पे वहाँ की जो जेई हैं उन्होंने कंप्लेंट भेजी है, जिस पर इज्जत नगर में अभियोग पंजीकृत किया गया। मामला उस वक्त सुर्खियों में आया जब जमीन पर कॉलोनी काटने की शिकायत कमिश्नर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की गई। शिकायत होते ही हड़कंप मच गया और आनन फानन में बीडीए की टीम बुलडोजर लेकर पहुंच गई, जिसके बाद वहां पर जो भी निर्माण हो रहा था उस पर बुलडोजर चला दिया गया। दरअसल सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा मामले में बरेली विकास प्राधिकरण के अफसरों की भी गर्दन फंस रही थी, क्योंकि उनकी जानकारी के बिना कोई भी काम नहीं हो सकता है। बीडीए ने जो जमीन कब्जा मुक्त करवाई उस पर कई सालों से लोगों का कब्जा था। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।